पश्चिम बंगाल में चक्रवात तूफान अम्फान से मची तबाही का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंचे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने बंगाल में अधिकारियों के साथ बैठक ली और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हवाई सर्वेक्षण किया। वहीं मोदी ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा कर चक्रवात तूफान अम्फान से हुई तबाही का जायजा भी लिया। बंगाल में अम्फान के कारण अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान अम्फान की वजह से भीषण तबाही मची है। यह तूफान यहां पिछले 283 साल में आया है। यह सबसे भयावह तूफान है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अम्फान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने पहुंचे हैं, जहां ममता बनर्जी ने उनका स्वागत किया। आपको बताते चले कि सर्वे करने के बाद पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल को 1,000 करोड़ रुपए की शुरुआती मदद का ऐलान किया है। इसके अलावा जल्द ही केंद्र की एक टीम राज्य में आकर विस्तार से सर्वे करेगी। हवाई सर्वे के बाद पीएम मोदी ने कहा कि जब देश में कोरोना वायरस का संकट है, तब पूर्वी क्षेत्र में तूफान ने प्रभावित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने इस तूफान को लेकर तैयारी की थी, लेकिन इसके बावजूद 80 लोगों की जान हम नहीं बचा पाए हैं। इस तूफान की वजह से काफी संपत्ति का नुकसान हुआ है, जिसमें घर उजड़े हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान हुआ है। कोलकाता से जय चौधरी की रिपोर्ट। भारत के तटीय क्षेत्र को, विशेष करके पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया और उसमें भी सबसे ज्यादा दुष्परिणाम पश्चिम बंगाल के हमारे भाइयों बहनों को, पश्चिम बंगाल के नागरिकों को, यहां के संपत्ति को बहुत हानि पहुंचाई है। साइक्लोन की संभावनाओं से लेकर के लगातार मैं इससे संबंधित सभी लोगों से संपर्क में था। भारत सरकार भी सतत राज्य सरकार के संपर्क में थी। साइक्लोन का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए, उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के भरसक प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद भी करीब करीब 80 लोगों के जीवन हम नहीं बचा पाए, इसका हम सबको दुख है। जिन परिवारों ने अपना स्वजन खोया है, उनके प्रति केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हम सबकी संवेदनाएं हैं और इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ हैं। संपत्ति का भी नुकसान काफी होता है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे पावर सेक्टर हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे घरों का उजड़ जाना हो, अनेक प्रकार का, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे व्यापार जगत से लोग जुड़े हुए हो, चाहे खेती क्षेत्र से जुड़े हुए, हर किसी को नुकसान होता है। आज मैंने हवाई निरीक्षण करके बारीकी से इस प्रभावग्रस्त विस्तार को मुख्यमंत्री जी के साथ, गवर्नर श्री के साथ दौरा करके उसको देखा है। अभी राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से मेरे सामने जो भी प्राथमिक आकलन है उसका ब्यौरा दिया है। हमने तय किया है कि हो सके उतना जल्द डिटेल में सर्वे हो, कृषि का हो, पावर सेक्टर का हो, टेलीकम्युनिकेशन का हो, घरों की जो स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है, केंद्र सरकार की तरफ से भी तत्काल एक टीम आएगी और वो टीम इन सभी क्षेत्रों में सर्वे करेगी और हम मिल करके रिहैबिलिटेशन हो, रिस्टोरेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, उसकी व्यापक योजना बना करके बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे और बंगाल जल्द से जल्द खड़ा हो जाए, बंगाल जल्द से जल्द तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेगी
और जो भी आवश्यकताएं होगी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1,000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। पूरी दुनिया एक संकट से जूझ रही है, भारत भी लगातार कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना वायरस की लड़ाई में जीतने का मंत्र और साइक्लोन में जीतने का मंत्र दोनों पूरी तरह एक दूसरे के ऑपोजिट है। कोरोना वायरस से लड़ने का मंत्र है जो जहां है वहीं रहे, जरूरत नहीं हो तब तक घर से बाहर न निकले और जहां भी जाए 2 गज की दूरी बनाए रखे। लेकिन साइक्लोन का मंत्र है कि साइक्लोन आ रहा है जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थल पर आप शिफ्ट कर जाइए, वहां पर पहुंचने का प्रयास कीजिए, अपना घर खाली कीजिए। यानी दोनों अलग अलग प्रकार की लड़ाइयां एक साथ पश्चिम बंगाल को लड़नी पड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी ममता जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भरसक प्रयास किया है, भारत सरकार ने भी लगातार उनके साथ रह करके इस संकट की घड़ी में जो भी आवश्यक जो एडवांस में करने योग्य था जो उसी समय करने का योग्य था और जो आगे दिनों के करने की आवश्यकता है उसको भी पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। आज समग्र देश को जिनके लिए गौरव है ऐसे राजा राममोहन राय जी की जन्म जयंती है और उस समय मेरा पश्चिम बंगाल की इस पवित्र धरती पर होना मेरे मन को छूने वाली बात होती है। लेकिन संकट की घड़ी से हम जूझ रहे हैं तब मैं तो इतना ही कहूंगा कि राजा राममोहन राय जी हम सबको आशीर्वाद दें ताकि समयानुकूल समाज परिवर्तन के जो उनके सपने थे उनको पूरा करने के लिए हम मिल बैठ करके मिलजुल करके एक उज्जवल भविष्य के लिए भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए समाज सुधार के अपने कामों को निरंतर जारी रखेंगे और वही राजा राममोहन राय जी को उत्तम श्रद्धांजलि होगी। मैं मेरे पश्चिम बंगाल के सभी भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि संकट की घड़ी में पूरा देश आपके साथ है, भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ आने वाले सभी कामों में खड़ी रहेगी। इसी संकट की घड़ी के समय आप सबसे मिलने आया हूं लेकिन कोरोना वायरस के कारण सब नागरिकों से तो नहीं मिल पा रहा हूं, मन में एक कसक तो रह जाएगी। यहां से मैं आज उड़ीसा की ओर जाऊंगा और वहां भी हवाई निरीक्षण करूंगा, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी से वहां की सरकार से बातचीत करूंगा। मैं फिर एक बार पश्चिम बंगाल की इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूं, जल्द से जल्द आप इस संकट से बाहर निकले इसके लिए मैं पूरी तरह आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Odisha Chief Minister also talked to me today morning, and Bangladesh Prime Minister is also trying to talk to me because 48 hours the phone is not working. Even Delhi is also not working. Hello. Even Bhutan also sent a message and the call. बड़े 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 same press conference कर चुके हैं. Even same press conference कर चुका है. Also, many areas the cable is not working. So phone is also not working.
WhatsApp is not working. FaceTime is also not working. Even we are not getting message in a proper time. The communication, telecommunication is very, very weak. And the other connection, you know, automatically it will be disconnected, but they are trying. They have already started the rescue and relief operation. And today also we'll give a brief note to Prime Minister, also will hand over. I think his flight will be coming at 11:06. Then we will visit some south and north 24 pogroms of devastating areas. And then Bashirat will sit to till now we have got the information 80 people died and all pensions because we rescued, we evacuated at least more than 6 lakhs people, not 5 lakhs people. Even the weather forecast was also, you know, sometimes it cost the area. The size, the density of the storm was so lengthy, 450 kilometers the range, together when it came, full sky, full area. When we have seen the eye is Kolkata and tail is Nubia, or eye is Kolkata, the tail is Banga, there it is coming. Live. So it is moving and 60% people are being affected. Live. More than 6 crore people are directly affected. And hello. You know, the property loss, everything loss, life loss, everything is lost. But let us hope that at least we have saved lakhs of people. Our people have already started walking. We are in the field. It will take some time, or especially my officials from the state department. Then the police people were also there. Next to me, they also watched the situation. Even I was not able to go to my room. The room was just, the vibration was too much, and the sound, the vibration. And in all the time, it continues 8 hours. Every time people are asking when it will go from Kolkata, when it will go from North to Florida, when it will go from South to Florida. People are so panicked. And all the phone connection was also not there. Even we are talking to the press sometimes, it was lively, but live video conference. Live telecast was there, but the line was not working. Even in my house also, I can't see the TV. I have not only the connection with telephone landline, but no connection with the mobile and all this. That is the problem. So, what is the next few days for the government? Challenging is to rescue and the rescue operation and to help the people. That will be able to successfully manage. এই দুটো বিষয় আপনি কি প্রশাসনিক বৈঠক ওনার সাথে বসিরহাটে করবেন? এক দ্বিতীয়ত এই মুহূর্তে আমাদের কাছে বহু জায়গায় খবর আসছে নেটওয়ার্ক কানেকশন যেমন আপনি বলেন নেই, ফলে মোবাইল নেটওয়ার্ককে রেস্টোর করার জন্য কোনো কথা বা আমরা সিএসএল লেভেলে টেলিকমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা বলবেন। ম্যাম, আ লট অফ পিপল এসপেশালি ইন কলকাতা হ্যাভ বিন ডিভাস্টেটেড ডিউ টু দিস ওয়ান, সো ম্যাম হাউ ডু ইউ থিংক উইল কোপ আপ উইথ দিস ম্যাম ফর দ্য নরমাল পিপল হু আর severe disaster, catastrophic and severe disaster, so it will take some time because the people are not available even to work because COVID situation and all this. So this whole disaster is going on together. We just hope that with the help of the local boys and girls and the other administration, we will be able. Even just now, I talked to my mayor also 3-4 times. I told him to contact the railway and port also if they can give some tea cutters and all. They have some. Because I work as a railway minister, so I know that they have some system also. So now rail is also not operating. So they can give some machines. And Odisha also told us that if we need anything, we have our manpower. We have our capacity, but it will take some time. Odisha is also working tirelessly. And the municipality workers and all the agencies, they are working. The meeting I think the district is very... চিল্লাগুলো কেউ তারা ওটা বেরোয়নি কিন্তু করতে দেবে। And all the embankment is totally broken. So nobody can identify what is the village and what is the road. So it is very difficult. Only the local people can do it. So yesterday we
had several meetings with all the departments, and we have instructed all the departments to walk immediately to move there, and all will work together. কোথায় যাবেন কর্মসূচিতে একটু বাংলা আমাদের জন্য বলবেন, মানে কোথায় যাবেন? কালকে দুপুরের পরে সন্ধ্যেবেলায় আমরা খবর পাই যে আপনারা জানেন কাল দুপুর বিকেল পর্যন্ত কেউ যোগাযোগই করতে পারে এবং কারোর সাথে কোনো যোগাযোগই ছিল। সন্ধ্যেবেলা আমরা খবর পাই যে উনি, আমি তার আগে আপনাদের প্রেসে বলেছিলাম তিনি আসেন দেখি যান খালি হতে পারে, আমি সরকারের যে কনস্টিটিউশনাল অবলিগেশন এবং কনস্টিটিউশনাল যে গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট যে কোনো ব্যাপারে কাজ করে এটাই হচ্ছে গভর্নমেন্টের কর্তব্য। ডিফারেন্ট পলিটিক্যাল পার্টি ডিফারেন্ট স্টেটে পলিটিক্সে পলিটিক্যালি ক্ষমতায় থাকতে পারে, কিন্তু একটা রিলেশন মেনটেন করতে হয় আমাদের কনস্টিটিউশন মেনে, ফেডারেল স্ট্রাকচার মেনে অবলিগেশন করতে হবে। এবং এটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে আমরা স্টার্ট করবো রাজনাথ, ভাঙর, মিনাখা, হাসনাবাদ, সন্দেশখালী 1-2, কোষাগা, বাসন্তী, হিঙ্গলগঞ্জ, যদি পার হিঙ্গলগঞ্জ দেখতে যায়নি বাট সন্দেশখালী হিঙ্গলগঞ্জ দুটো এক পাশে, ফুলতলি, ওদিকে মথুরাপুত্র, পাথর প্রতিমা, কাকদ্বীপ, কুলপি, ডায়মন্ড হারবার, ফলতা, এদিকটা এই রুটটা করেছি। আর কালকে আমি নিজেও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা আরেকবার বাসন্তী, কোষাগা, ওই দিকটা কাকদ্বীপ নামখানা করে আমরা কাকদ্বীপে একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওখানে the other side, COVID is going on, we are fighting three challenges. But let us hope that with the blessings of all the people, and Bengal people are always dedicated and devoted, with our dedication, determination, and what like situation, all the officials, the field staff, the police, the administration, all the district magistrate and their full team, all people will walk with it. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.